जिहड़े बच्चे इंडिया दे विच रहिंदे ने पंजाब दे खास करके उन्हां दे विच रुझान बहुत वधदा जा रहा है कि वह कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यूके जां होर कई अजिहे कंट्रीज़ विच पढ़ना चाहुंदे ने जिथे वह जाके पढ़ भी सकते हैं कमाई भी कर सकते हैं। तो यह रुझान वध क्यों रहा है, इस दे कारण की ने, इस दे बारे असीं गल्लबात करांगे। साडे नाल इस वेले इमीग्रेशन एक्सपर्ट मौजूद ने पानव अहूजा जी। अहूजा साहब, जिवें गल करदे आं कि बच्चों के रुझान बहुत वध रहा है बाहर जाण दा, रीज़न की है इस दे विच? रीज़न एक वधिया एजुकेशन की गल करते हैं कि एक वधिया एजुकेशन बच्चे नूं बाहर जाके मिलती है, एक वधिया स्टडी बंदा अपना कैरियर जिहड़ा वधिया बिल्डअप कर सकता बाहर। एक अनइंप्लॉयमेंट की गल करिए कि मतलब उत्थे इंप्लॉयमेंट मिलती है, उत्थे रोज़गार है, हर एक बच्चा जिहड़ा बाहर जांदा वह सैटल होकर ही वापस आता। बेसिकली बाहर सैटल हो जाता 5 to 6 साल अंदर, कैनेडा अंदर पीआर मिल जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की गल करिए थोड़ा टाइम होर लग जाता है, तो जे यूके की गल करिए उत्थे पीआर 10 to 12 साल के अंदर मिल जाती है। बेसिकली जिहड़ी ये चीज़ां ने तो ये कारण बच्चे बाहर जा रहे हैं। दूजी गल यह है कि जिहड़ा हुण कल दी न्यूज़ अगर आप देखिए कि सिद्धू मूसेवाले नूं गोलियां मार के उहदा कतल कर दिता गया, क्राइम रेट की गल करते कि क्राइम रेट जिहड़ा इधर इंडिया के अंदर हैगा 90% क्राइम रेट, मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता कि 90% क्राइम रेट हैगा, जिहनूं देख के लोग अज दी डेट के अंदर घबरा जाते हैं, आपदी जानां नूं सेव करन वास्ते लोग बाहर जा रहे हैं। इत्थे किधरों हथियार आते हैं, किधरों कि चीज़ा, मतलब समझ नहीं आया कि एक इहोजा मॉडल जिहड़ा इहोजी पब्लिक फिगर, ठीक है, जिन्हों छोटे बच्चे तो लैके हर एक बड़ा बजुर्ग सुनता सीगा, ठीक है, उहदा इन्ने एक मतलब गंदे तरीके नाल कतल कर दिता जाता है। अगर इहोजी पब्लिक फिगर ही जिहड़ी हैगी सेफ नहीं हैगी तो साडे वर्गे बंदिआं दी तां कितें जान दी की वैल्यू है साडे वर्गे। सर तुसीं गल कीती है क्राइम रेट जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा, तुसीं आपदे वल्लों जिहड़ी गल कही गई है, लेकिन इस विच भी देखना बनता बाकी जिहड़े कंट्रीज़ ने उन्हां दे विच क्राइम रेट बहुत ज़्यादा। जे गल कीती जावे अमेरिका वर्गे देशां दी तां तुसीं सुणिया होणा बीते दिन भी जिहड़ा उन्हां ने बच्चे जिहड़े आ बहुत मारे गए सीगे स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच जिहड़ियां गोलियां चलियां सीगियां, तां क्राइम रेट बाहरले देशां 'च वी हैगा वा, तां इस नूं अगर कंपेयर करिए तां किदां लगदा तुहानूं वी बाहरले देशां 'च है नहीं वी बच्चे जिहड़े उत्थे जाणा चाहुंदे ने? फिर भी देखो उत्थे 6 महीने दे अंदर इक अद्धा इंसीडेंट इहो जिहा हुंदा जिहड़ा सारे वर्ल्ड नूं हिला दिंदा, ठीक है। इत्थे तां रोज़ आप सुनते हैं, कल भी सुन लो परसों सुन लो किसी ने गोली मारती, इतने तो गोली मारनी आम है, इतने तो बंदे की लाइफ की वैल्यू की है, लाइफ की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। सारे के सारे अपने अपने वादे करते हैं, बट यदी एंड तक जड़ तक पहुँचना ये खबर हूँ सारे चला देने अज की डेट के अंदर कि हाँ इदा हो गया उदा हो गया, कौन सी पिछे कौन नहीं, बट यदा रिजल्ट कितने है 2-3 दिन बाद देखियो सारे या महीने बाद देखियो ये न्यूज़ बिल्कुल जीरो हो जानी। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ गुरदीप सिंह लंबे, तुम देख रहे हो द टाइम्स। जिहड़े बच्चे इंडिया दे विच रहिंदे ने पंजाब दे खास करके उन्हां दे विच रुझान बहुत वधदा जा रहा है कि वह कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यूके जां होर कई अजिहे कंट्रीज़ विच पढ़ना चाहुंदे ने जिथे वह जाके पढ़ भी सकते हैं कमाई भी कर सकते हैं। तो यह रुझान वध क्यों रहा है, इस दे कारण की ने, इस दे बारे असीं गल्लबात करांगे। साडे नाल इस वेले इमीग्रेशन एक्सपर्ट मौजूद ने पानव अहूजा जी। अहूजा साहब, जिवें गल करदे आं कि बच्चों दे विच रुझान बहुत वध रहा है बाहर जाण दा, रीज़न की है इस दे विच? रीज़न एक वधिया एजुकेशन की गल करते हैं कि एक वधिया एजुकेशन बच्चे नूं बाहर जाके मिलती है, एक वधिया स्टडी बंदा अपना कैरियर जिहड़ा वधिया बिल्डअप कर सकता बाहर। एक अनइंप्लॉयमेंट की गल करिए कि मतलब उत्थे इंप्लॉयमेंट मिलती है, उत्थे रोज़गार है, हर एक बच्चा जिहड़ा बाहर जांदा वह सैटल होकर ही वापस आता। बेसिकली बाहर सैटल हो जाता 5 to 6 साल के अंदर, कैनेडा के अंदर पीआर मिल जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की गल करिए थोड़ा टाइम होर लग जाता है, तो जे यूके की गल करिए उत्थे पीआर 10 to 12 साल के अंदर मिल जाती है। बेसिकली जिहड़ी ये चीज़ां ने तो ये कारण बच्चे बाहर जा रहे हैं। दूजी गल यह है कि जिहड़ा हुण कल दी न्यूज़ अगर आप देखिए कि सिद्धू मूसेवाले नूं गोलियां मार के उहदा कतल कर दिता गया, ठीक है, क्राइम रेट की गल करते कि क्राइम रेट जिहड़ा इधर इंडिया के अंदर हैगा 90% क्राइम रेट, मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता कि 90% क्राइम रेट हैगा, जिहड़ी दे मतलब जिहनूं देख के लोग अज दी डेट के अंदर घबरा जाते, आपदी जानां नूं सेव करन वास्ते लोग बाहर जा रहे हैं। 90% क्राइम रेट है, उत्थे 10% क्राइम रेट, उत्थे क्राइम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इत्थे किधरों हथियार आते हैं, किधरों कि चीज़ा, मतलब समझ नहीं आया कि एक इहोजा मॉडल जिहड़ा इहोजी पब्लिक फिगर, ठीक है, जिन्हों छोटे बच्चे तो लैके हर एक बड़ा बजुर्ग सुनता सीगा, ठीक है, उहदा इन्ने एक मतलब गंदे तरीके नाल कतल कर दिता जाता है। मतलब अगर इहोजी पब्लिक फिगर ही जिहड़ी हैगी सेफ नहीं हैगी तो साडे वर्गे बंदिआं दी तां कितें जान दी की वैल्यू है साडे वर्गे। जिवें अहूजा साहब तुसीं गल कीती है क्राइम रेट जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा, तुसीं आपदे वल्लों जिहड़ी गल कही गई है, लेकिन इस विच भी देखना बनता बाकी जिहड़े कंट्रीज़ ने उन्हां दे विच क्राइम रेट बहुत ज़्यादा। जे गल कीती जावे अमेरिका वर्गे देशां दी तां तुसीं सुणिया होणा बीते दिन भी जिहड़ा उन्होंने बच्चे जिहड़े आ बहुत मारे गए सीगे स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच जिहड़ियां गोलियां चलियां सीगियां, तां क्राइम रेट बाहरले देशां 'च वी हैगा वा, तां इस नूं अगर कंपेयर करिए तां किदां लगदा तुहानूं वी बाहरले देशां 'च है नहीं वी बच्चे जिहड़े उत्थे जाणा चाहुंदे ने? फिर भी देखो उत्थे 6 महीने दे अंदर इक अद्धा इंसीडेंट इहो जिहा हुंदा जिहड़ा सारे वर्ल्ड नूं हिला दिंदा, ठीक है। इत्थे तां रोज़ दे रोज़ आप सुनते हैं, कल भी सुन लो परसों सुन लो किसी ने गोली मारती, इत्थे तां गोली मारनी आम है, इतने तो बंदे की लाइफ की वैल्यू की है, लाइफ की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। इतने क्राइम रेट
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁਟੇਜ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 90% ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10% ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਟਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ MBA ਕਰਕੇ ਵੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਰੁਪਈਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ MBA ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਬ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਗਾ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਧਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਚਲੋ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਜ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ 50% ਜਾਂ 40% ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ
ठीक है ना, ये सारी चीज़ा करके जो है हर एक स्टूडेंट आज के डेट के अंदर अपने आप को बाहर जाके सेफ महसूस करता है, अपनी एटलीस्ट जान की कीमत तो हैगी है। मैडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ने, उत्थे मैडिकल इलाज फ्री है, 12वीं तक बच्चे की एजुकेशन फ्री है। अगर यही सहूलत सानू इत्थे मिलन, ठीक है, क्राइम रेट इत्थे घट हो, मेरे अकॉर्डिंग कोई बंदा बाहर ना जाए वो वास्ते विदेश भी यही इंडिया ही बनेगा अपना। मेरा अखीरला सवाल है कि हुण जिहड़े पंजाब दे स्टूडेंट ने, पंजाब दे स्टूडेंट्स दा भविख है की आ, जिहड़े बच्चे हुण बाहर नूं भजदे सारे? देखो भविख हुण इस हर एक दे आप ना भविख आप बनाना, ठीक है। हुण कई बच्चे इहो जिहे भी ने जिहड़े इत्थे पढ़ के भी 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे आ। इह तां आप दे कैलीबर दे उपर डिपेंड आ कि बच्चे ने अपने जिहड़ा एक फ्यूचर उहनूं किस तरीके नाल देखना, ठीक है। हुण कई बच्चे उधर जाके भी वापस आ जांदे आ, उह क्यों वापस आंदे आ? क्योंकि उह उत्थे जाके संभाल ही नहीं पाउंदे अपने आप नूं, ठीक है। एक बच्चे ने मेहनत करनी, एक हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे नाल होनी है। जो सिस्टम नूं असीं फॉलो ही नहीं करांगे तो बच्चा उधर जाके भी रुलेगा ही। बट स्टिल डिफरेंस तो हैगा ही हैगा, हर एक बंदे नूं अज दी डेट अंदर डिफरेंस दिख रहा है। अगर गल करिए पेरेंट्स की, हुण पेरेंट्स ये आंकड़ा पक्का तोड़नगे, 4.5 लाख स्टडी परमिट का जिहड़ा 2021 का आंकड़ा सी इस वारी पक्का पार होएगा। ये एक बहुत वड्डी मतलब साडी इंडस्ट्री अगर आप लगा के चलिए साढ़े पंजाब अंदर कोई 10,000 प्लस कंसल्टेंट होएगा, तो सिद्धू मूसेवाला की 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है, तो मैं भी उन्होंने अंदरों एक हाँ। साड़ी सारी इंडस्ट्री फॉलो करती सी उस बंदे नूं, हर एक छोटे तो लैके वड्डा बजुर्ग उस बंदे नूं सुनदा सीगा। एक इहो जिहा रोल मॉडल जिहड़ा अज अपने विच नहीं रहा, ठीक है ना। तो अगर इहो जिहे पब्लिक बंदे की जिहड़ी एक इहो जिही परसनैलिटी की जिहड़ी सुरक्षा जीरो है, ठीक है, इहो जिहे बंदे की जान की वैल्यू ही नहीं हैगी, तो साडे वर्गे आम बंदे का तो चलो की ही होना। सो ये सन भानु आहूजा जी इमीग्रेशन एक्सपर्ट, जिन्हां का कहना है कि पंजाब दे विच बहुत सारे बच्चे ने होर भी जिहड़े फॉरन कंट्री दे विच जाना चाहुंदे ने, तां आंकड़ा होर वध सकदा जिस तरीके दे नाल 2020 दी गल ने दसी है कि 2.5 तों 3 लाख बच्चे जिहड़े फॉरन कंट्रीज़ दे विच गए सीगे। कैनेडा दी गल कर लैंदे आ तां ये आंकड़ा होर भी वध सकदा है, क्योंकि बच्चे जिहड़े है फॉरन कंट्रीज़ दे विच जाना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, सेफ रहना पसंद करते हैं। सो वधेरी अपडेट्स जोड़ो दैट टाइम्स नाल। कैमरामैन दीपक खीवा दे नाल गुरदीप सिंह लंमे देना।